भगवान की सौगंध, पूरे राजस्थान में छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अरे ठाकुर साहब, आप कहिए कैसे आना हुआ? लगता है आपको ऑर्डर्स की कॉपी नहीं मिली जी, वरना इतने आराम से आप नहीं बैठे होते। बात की बात, आप कहना क्या चाहते हैं? एक नजर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। आप फिर से इंचार्ज होके आ गए। आपने अपने चार्ज में जो कांटे बोए हैं, उनका फल काटने के लिए आया हूं। देखिए, इस तरीके से बोलने का आपको कोई हक नहीं। मुझे क्या हक है या क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पुलिस चौकी जल गई, असला खाना लूट गया, ठाकरों की हवेलियां लूट गईं। क्या किया आपने हनुमान सिंह जी, ये बताइए कि विक्रम सिंह की कोई खबर मिली या नहीं? जी नहीं। आपने कोशिश भी नहीं की होगी। मैं बताता हूं आपको, राम सिंह। हुकुम। सुमेर सिंह के गांव पर कड़ी नजर रखो, विक्रम सिंह वहां जरूर हमला करेगा। हुकुम। किसी से खबर मिली? हनुमान सिंह जी, पुलिस ऑफिसर अगर कभी कभी अपनी अकल से काम ले ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। सुमेर सिंह ने हवेलियां लूटी हैं, जाहिर सी बात है विक्रम सिंह गांव जरूर लूटेगा। कौन हो भाया? कौन आ गया से इतनी रात में? थे कौन? शक्ति सिंह बागी का नाम तो सुना होगा तन्ने। के चाहो? ले जाओ जो चाहो। लखिया दादा कहा ना बोले, ये लो, ये लो, लो। डरो नहीं, आज शक्ति सिंह लूटने नहीं, सौदा करने आया है। आ जा कन्ने। सौदा? खुलासा बात करो हुकुम, के पेश करूं? सिर्फ 1,00,000 लखिया। तने धोखा तो नहीं हुआ हमारे नाम का? नाम वास्ते लखिया हूं, पल्ले कुछ नहीं। एक बात ध्यान से सुन ले लखिया, जितना बन सके तू और थारा गांव मिल के देगा, बदले में मैं थारे गांव को बचाऊंगा ठाकर विक्रम सिंह से। पर सुना है वो तो थारा साथी है। उसकी फिगर तू मत कर, शक्ति सिंह बागी बना है सिर्फ पीसा के लिए, किसी की मोहब्बत में नहीं। समझा? थे भी मारो ही साथी लागो। पिसा तो मैं जमा कर देंगा, पण मने की देसो खबर ठाकर विक्रम सिंह कब कहां और कैसे हमला करेगा, मैं तन्ने बताऊंगा और तू पुलिस ने।
गोली कर दो। नहीं, गोली नहीं चलाना। सब लोग ठीक तो है ना? नमस्कार दादा। क्या खबर लाया है? खबर चौकी कोनी दादा, उस कमीने ने बस्ती वाड़ा का जीना हराम कर रखा है। किस कमीने ने? उसी ने, हनुमान सिंह ने। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है तू? हनुमान सिंह जिंदा है क्या? हाँ दादा, वो जिंदा है। और सुना है वो भाभी के घर भी गया था, उसको डर धमका कर आया है। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उस कुत्ते को कोतवाली में खत्म कर चुका था। मैंने बस्ती जाना होगा, मैंने कल सुबह ही बस्ती जाना होगा। कृष्णा, बस्ती जाने की तैयारी करो। अब समय आ गया है ठाकरा से पीछा ऐंठने का। हुकुम, डीएसपी साहब ने आपको बुलाया है। ओ, तो ठाकुर साहब आ गए? जी, और उन्होंने साथ साथ सज्जन सिंह, मान सिंह और भीम सिंह को भी बुलाया है। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? हुकुम, मैं वहां मौजूद था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर साहब आइए। कब तशरीफ लाए आप? ठाकुर विक्रम सिंह का कोई सुराग मिला? जी नहीं, बागी विक्रम सिंह का कोई पता नहीं चला। हाँ, सुमेर के एक साथी कल्ला डाकू ने कीमत लेके हमें यह खबर बेची है कि सुमेर अपने साथियों के साथ बस्ती की तरफ रवाना होने वाला है, लेकिन हम उसे पहले ही रोक लेंगे क्योंकि कल्ला ने हमें उसके पड़ाव का पता भी बता दिया है। बात की बात ठाकुर साहब, खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे कि सुमेर सिंह बस्ती में क्यों आ रहा है? जी, आप पूछेंगे भी नहीं क्योंकि कारण तो आप जानते हैं, और कारण है सुमेर की बीवी जिंदा और उसकी कोख में पल रहा बच्चा। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब। सुमेर आपकी मौत बनकर आ रहा है? जी, हमारे ट्रांसफर होते ही आप इन सिपाहियों के साथ जिंदा के घर गए थे? जी हाँ, बागी सुमेर की औरत से पूछताछ करने के लिए। और पूछताछ उस गरीब औरत की कोप में पलते हुए बच्चे को मार डालने की कोशिश से होती है? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि उस वक्त वहां रूप भाभी मौजूद थी। हम ये भी जान गए कि ये शर्मनाक हरकत आप पहले भी कर चुके हैं। अनजाए बच्चे के कत्ल का चश्मदीद गवाह हमारे पास है। बात की बात ठाकुर साहब, आखिर ये हाँ हनुमान सिंह, यही कहना चाहते हो कि कीड़े मकोड़े ही है ना? आपके इस घटिया विचार ने ना सिर्फ बस्ती वालों को घर से बेघर किया, बल्कि सुमेर जैसे जिम्मेदार पुलिस वाले को बागी होने पर मजबूर किया। हमने आपकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजने का फैसला किया है, और यह हमारी पूरी कोशिश होगी हनुमान सिंह जी
कि आप और आपके ये तमाम साथी पुलिस फोर्स से डिसमिस कर दिए जाएं और बाकी की जिंदगी आप काल कोठरी में बिताएं। वो तो बाद की बात है ठाकुर साहब, फिलहाल बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। अब आप जाकर तैयारी कीजिए, हम बागी सुमेर सिंह को घेरने जाएंगे। उसका ग्रोह बहुत बड़ा है, हमें ज्यादा से ज्यादा बंदूकें और पुलिस फोर्स की जरूरत है। इसलिए हनुमान सिंह जी, आप जैसे घटिया ऑफिसर भी हमारे साथ चलेंगे। हुकुम, अब हमारा क्या होगा? सुमेर को घेरने की बात तो है ही, बात की बात इसी गड़बड़ में कोई हादसा भी तो हो सकता है, किसी की गोली का निशाना कोई गलत आदमी भी तो हो सकता है। आपका मतलब है ठाकुर राजेंद्र सिंह? इससे पहले कि वो हमें हटाए, हम उसे हटा देंगे। भवानी सिंह, तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आओ गश्त पर चलें। बात की बात, तुझ में ठाकुरों का खून नहीं है, तेरे खून में जरूर कुछ खोट है। हे राम, अरे भैया ये बात है क्या भैया? अरे इस बेचारे पुलिस वाले को तो किसी ने गोली मार दी। मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो रही है। ठाकुर राजेंद्र सिंह की जात खतरे में, ठाकुर विक्रम सिंह से जाके कहो कि हनुमान सिंह। जानता हूं कि तू गांव जाना चाहता है, मगर मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। ठाकुर विक्रम सिंह, तेरा मेरा हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है, फिर चुकता हो जाएगा। आज मैं जल्दी में हूं, मारे रास्ते से हट जा, और आज ही मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ठाकुर, बरसाती नदी को रोक सकेगा? इस तूफान को रोकने की ताकत है तुझमें? गुस्से का तूफान तो ठाकुर विक्रम सिंह है सुमेर, हाँ बरसाती नदी को कभी नहीं रोका, आज रोकने का इरादा है। मेरे रास्ते से हट जा ठाकुर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और तुझे जाने दिया तब भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज गांव में तेरी जान को खतरा है। इतनी फिक्र ठाकुर, कब से? जब से पता चला है कि तेरी जान के साथ एक और जान को खतरा है, और वो है मेरे भाई राजन की जान। किसकी जान का वास्ता दे रहा है? ठाकुर राजेंद्र सिंह की जान का, जो एक पुलिस अफसर है और मारे खून का प्यासा है। पुलिस ऑफिसर राजेंद्र सिंह तो मेरी जान का भी दुश्मन है, मगर वो मेरे बाप का बेटा है, मेरा छोटा भाई है, और उसकी जान की खातिर मैं किसी भी नदी और तूफान को रोक सकता हूं। ठाकुर विक्रम सिंह, चिंदा मेरी बीवी है और उसकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, आज उनकी जान को भी खतरा है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे अच्छी तरह जानकर भी तूने ये कैसे मान लिया कि मैं तुझे यूं ही जाने दूंगा? आज या तो मैं अपने भाई की शक्ल देखूंगा,
या तू अपनी बीवी की। सोच ले, एक बार तुमने कहा था तेरी जान पे मेरा हक है और मेरी जान पे तेरा। याद है, पर उस वक्त एक दूसरे के लिए जान देने की बात थी। और आज जान लेने की बात आ गई है। और उस वक्त मैंने यह भी कहा था कि तेरे और मेरे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। आज भी कोई तीसरा नहीं होगा ठाकुर विक्रम सिंह, ये साली बंदूक में नहीं। खबरदार, अगर तूने विक्रम पर हाथ उठाए तो मैंने छोड़ दे जिन्ना। मैंने तारे होने वाले बच्चे की सौगंध। जिन्ना, तू क्या जाने है? जिस बच्चे की तने सौगंध दे रही हूँ वो भी पहले की तरह अब भी पैदा होने से पहले ही मर गया होता अगर रूप कंवर ने मुझे उस राक्षस हनुमान सिंह से ना बचा लिया होता। मैं ठाकुरों की आन को ठोकर मारकर बस्ती में गई थी आपके दुश्मन के घर ताकि उसके होने वाले बच्चे को जन्म से पहले बचा सकूं। और कुछ सुनेगा? कल्ला जिसे तू अपना जिगरी मानता था उसने ठाकरा के पैसा लेकर बेच दिया, तन्ने सारी खबर दे दी। और वो कुत्ता हनुमंत सिंह मेरा सुहाग लूटने की पूरी तैयारी कर बैठा था। और इसी गड़बड़ में मेरे भाई राजन को वो गोली मारने वाला था। एक उसको क्यों रोते हो? तुम्हारा अपना साथी ठाकुर शक्ति सिंह तुम्हें बेच गया उस दोगले सरपंच के हाथों। तुम दोनों अपने आप को राजा समझते रहे पर शतरंज के मोहरों के सिवा तुम लोग कुछ न थे। दौलत और ताकत के भूखे कुत्ते तुम्हें लड़ाते रहे। ठाकुर शक्ति सिंह और कल्ला बाउड़ी के पास पड़ाव डाले हुए हैं। तुम ऐसा करो, रूप और जिंदा भाभी को पत्थर वाली सराय पर ले जाओ, हम एक छोटा सा काम करके आते हैं। सुमेर और विक्रम दोनों एक साथ के बात कर रहे चौधरी सुमेर सिंह को बेचने गया था तू? हाँ, ठाकुर विक्रम सिंह ने बेचने गया था।
ये पत्थर वाले मकान के पास कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अरे ये तो सुमेर की औरत जिंदा है, इसे तो मैं कहीं भी पहचान लूं। रूपा भी, वो भी यही है। ये दोनों औरतें क्या क्या कर रही हैं? लगता है कि सुमेर और ठाकुर विक्रम सिंह फिर से एक साथ हो गए हैं। जाओ, पहले उन्हें उस घर तक जाने दो। जब वो पूरी तरह घिर जाएंगे तो फिर हम उनको पूरा मौका देंगे कि वो अपने आप को हमारे हवाले कर सकें। विक्रम सिंह, सुमेर सिंह, तुम दोनों चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो अंदर चलो। तुम्हारे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये तो राजन है, क्या इरादा है? इरादा बाद में, पहले सोचो रूह पर जिंदा क्या करना है। राजन, हमारी औरतें हमारे साथ हैं, पहले इन्हें हिफाजत की जगह पहुंचाया जाए, फिर हम आएंगे। हमें मंजूर है, भेज दो अपनी औरतों को। जिन्ना, तू रूप ने लेके चले जा। नहीं सुमे, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कि पगली हो गई है? पहले तू वचन दे, तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। सी देख, अब जैसा मौका लाग सी वैसा हम कर लेंगे। तू जा, जाना। नहीं सुमे, नहीं। जिन्ना, अपने होने वाले बच्चे को क्या बोल सी? तेरा बापू जेल में सड़कर मर गया जब फांसी लग गई। अरे पगली, उसे कहना कि तेरा बापू हवा की तरह आजाद था और हवा की तरह चला गया। अरे तू मारी जिंदा है, तू हिम्मत रखना। मैं अपने आप को कानून के हवाले करूं ना करूं, हर हाल में तेरा गुनहगार रहूंगा। तूने जी भर के प्यार दिया है मुझे, अब इतना और करना। जब भी याद करना, प्यार से करना, प्यार से। अब तुम जाओ, जाओ। जाओ। क्या इरादा है? इरादा तो तय हो ही चुका है विक्की, एनकाउंटर तो हो गए हैं, पर मन्ने डर लगता है कि एनकाउंटर के आड़ में ये साला हनुमंत सिंह अपने राजन को गोली न मार दे। हाँ, और कह देगा राजन एनकाउंटर में मारा गया। राजन को तो ना मरने दें। एक काम करते हैं, चलते हैं वहां, पासा पड़ने में कौन सी देर लगती है।
अगर एक भी गोली चली तो तुम्हारे इस ऑफिसर का भेजा उड़ा दूंगा। होल्ड फायर, कोई गोली नहीं चलाएगा। राजन, ये गोली जो सुमेर के हाथ में लगी है इसमें तुम्हारा नाम लिखा था। मैं जानता हूं दादा, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। बात की बात, चले चलना। इस जोर को तो नहीं छोड़ूंगा दादा। ये पुलिस ऑफिसर है, इन्हें छोड़ दो दादा। दादा हमें मजबूर मत करो, इन्हें छोड़ दो दादा। मैं कहता हूं इन्हें छोड़ दो दादा। चल उठ साले उठ। राजन को मारना चाहता था हाँ? नहीं सुमेर, इसे सुअर की मौत मारेंगे। हाँ, इस कुत्ते ने सुअर की मौत ही मारेंगे विक्के। पर सुअर का शिकार तो खेलना ही पड़ेगा। हाँ? हाँ। सुमेर, ये सब कितने होंगे? बड़ी वेल पलटन है साड़ी। याद है जब हम छोटे छोटे थे तो इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे। ये कोई भूलने वाली बात है? उस दिन हम दोनों नंगे थे, चड्डी अभी नहीं पहनी थी। और ओले बदन पर इस तरह गिर रहे थे जैसे ठंडी ठंडी गोलियां। हाँ, आज भी कुछ ऐसा ही नजर आ रही है। तैयार बैठे हैं अपने लिए सब? हाँ, लेकिन ओले गिरने से पहले इस सुअर का शिकार कर लें। जरूर जरूर, पर सुअर ने भगाना पड़ेगा, नहीं तो खेल का मजा कौन आवे। आज साले भागेगा रेत में, भगा लेंगे। हाँ, और निहत्ता भी नहीं भगाएंगे, बराबर का चांस देंगे। पर एक बात बता दे, पहला बार कौन करेगा? कोठे वाली के पास भी यही सवाल और यहां भी यही सवाल। कभी इस गली कभी उस गली, वो भी खेल था ये भी खेल है। तो खेलें। ले ले भाग। और सुअर की औलाद, और ठाकुर साहब, मुझे बचाइए ठाकुर साहब, मुझे बचाइए ठाकुर साहब। नो, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए ठाकुर साहब, मुझे बचा लीजिए। पोजीशन